वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ की डेफिनेशन, आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100। आज का हमारा टॉपिक है मेन पॉइंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं बेटे। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स बेटा, यूनिट थर्ड कंटिन्यू है बेटा। मेन पॉइंट्स, पॉइंट्स को ही एजम्पशन बोलते हैं, यानी मेन एजम्पशन। इसी को बेटा पोस्टुलेट बोलते हैं, मेन पोस्टुलेट्स। करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो फर्स्ट क्या है बेटा, इट हैज 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स जिसको मेंडलीव ने सीरीज कहा था बेटा, सीरीज यानी 7 सीरीज, एक ही बात है बेटा, 7 पीरियड्स या 7 सीरीज एंड 18 ग्रुप्स। मतलब पीरियड्स का मतलब सीरीज, 7 क्या लिखना बेटे, पीरियड्स मेंडलीव ने सीरीज कहा था और मोस्ले ने पीरियड्स कहा था बेटा, यानी 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स को ही फैमिलीज बोलते हैं, उसी को ही बेटे सेट्स बोलते हैं बेटे, सेट्स बेटे। कोई फर्क नहीं भाई, 7 पीरियड है बेटा और 18 क्या है बेटा, ग्रुप है बेटा। अब पीरियड्स क्या होते हैं बेटा, आपको दिखा दें बेटा। हॉरिजॉन्टल रोज बेटा, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ये जो 7 बेटा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, और ये इनके अंदर से ही आए हैं बेटा। तो ये तो हो गए बेटा हॉरिजॉन्टल रोज। इन पीरियडिक टेबल आर नोन एज पीरियड, 7 है बेटा, और ग्रुप 18 है, वर्टिकल कॉलम बेटा। ये क्या हैं, ग्रुप्स हैं बेटा। पहले 2 ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और नीचे बेटे ये अप ब्लॉक एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में 18 हैं, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 32 हैं, और 7 में भी 32 ही होते हैं। यहाँ बुक में अभी इन्होंने इनकम्प्लीट पीरियड लिखा हुआ है बेटा, लेकिन अब डिस्कवरी हो चुकी है बेटा 118 एलिमेंट की। 7th भी लॉन्गेस्ट पीरियड है, 18 भी लॉन्गेस्ट है बेटा। बाकी 7th को इनकम्प्लीट बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो बेटा, बुक में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है बेटा ये। तो फर्स्ट जो पीरियड है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, इट हैज 2 एलिमेंट। सेकंड थर्ड दोनों को ही शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, फोर्थ फिफ्थ दोनों को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, सिक्स्थ को लॉन्गेस्ट बोलते हैं, सेवन्थ को इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। आप सिक्स सेवन्थ दोनों को लॉन्गेस्ट पीरियड कह सकते हैं बेटा। सेकंड बेटा, इट हैज 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
इट हैज फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेटा, इस ये चार टाइप के एलिमेंट्स रखती है बेटा। पहला द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द अप ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे आपको बताएंगे बेटे, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं, सभी अप ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं, पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। मतलब एक प्रकार से हल्दीराम का मिक्सचर है बेटा, सारे हैं बेटा, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी बेटा। तो ये बेटा इसके क्या है बेटा, और थोड़ा ध्यान से देखें बेटे, मेटल्स आर अरेंज एट लेफ्ट हैंड साइड वाइल नॉन मेटल्स आर अरेंज एट एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड ऑफ पीरियडिक टेबल। मेटल तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा और नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड है बेटा। तो ये मेन पॉइंट्स है बेटा। फिर है बेटा लिमिटेशन बेटा, लिमिटेशन बेटा, देखो बेटा लिमिटेशन कहो, लिमिटेशन या शॉर्ट कमिंग्स बेटा, कमियां बेटे, त्रुटियां, कमिंग्स या डीमेरिट्स कहो, लेक्यूना कहो, ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल बेटा, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, इनसिग्निफिकेंस, फॉल्टी पॉइंट्स, फेलियर, कुछ भी कह सकते हो। तो लिमिटेशन दो है बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल डिफाइंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, हाइड्रोजन की पोजीशन है वो निश्चित नहीं है बेटा, क्योंकि एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो ये ग्रुप वन में भी रह सकता है और ग्रुप 17 में। वन में क्यों, वन वाले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और 17 वाले एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर तो हीलियम बन जाएगा, बट हीलियम के बराबर। सेकंड, द अप ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं आर नॉट प्लेस्ड, नहीं रखे गए हैं, not placed in the main body of periodic table. These are placed at a bottom of the periodic table. इनको bottom of the periodic table रखा गया है, main body में नहीं है। तो ये दो बेटे क्या हैं, limitation है बेटे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बेटे। और जो मेनली पीरियडिक टेबल थी बेटा, वहां कुछ एलिमेंट के लिए जगह रखी गई थी बेटे, जैसे गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा, तो इक्का एल्यूमिनियम नाम रख दिया गया पहले ही, कि आगे एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट होगा वो गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम, और सिलिकन के इक्का सिलिकन यानी जर्मेनियम बेटा। ऐसे आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं बताई बेटा, कुछ एलिमेंट ऐसे थे बेटा जिनका एटॉमिक मास है, जो बाद में एलिमेंट आते थे उनका क्या था, कम, पहले वालों का ज़्यादा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और उसका आधार क्या था बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा। तो ये मेनली पीरियडिक टेबल की लिमिटेशन थी, वहाँ हाइड्रोजन की पोजिशन वहाँ भी फिक्स नहीं थी बेटे, यहाँ भी फिक्स नहीं है। आगे आप लोगों से उम्मीद है कि कुछ डिस्कवरी करेंगे बेटे, हाइड्रोजन की पोजीशन को कहीं ना कहीं फिक्स करेंगे आप लोग। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, और हमने क्या पढ़ा था बेटे, थोड़ा ध्यान हो बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर बेटा 1 to 90 83 होता है आर कोल, ध्यान से देखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, कोल नेचुरल एलिमेंट्स कहो
या नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहो, एक बात है बेटा, एक्सेप्ट टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43 एंड प्रोमीथियम एटॉमिक नंबर 61 विच आर सिंथेटिक या मैन मेड बिटन, क्लियर। तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 83 है वो नेचुरल एलिमेंट्स है या नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक बात है बेटा। और जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 92 है, और ये है नेचुरल, उनको लिख देते बेटे, सॉरी बेटा 83 को नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव बेटा, नॉन रेडियो एक्टिव भाई, अच्छा लगेगा बेटे मतलब। और जिनका एटॉमिक नंबर बेटा 84 से और 92 है, आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, ये हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक्सेप्ट टेक्नीशियम, प्रोमीथियम एंड फ्रेंसियम बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 87 है, विच आर सिंथेटिक और मैन मेड बेटा। 84 से 92 है उनको हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, तीन को छोड़कर बेटा। वो सॉरी बेटा, इसमें तीन कहाँ से आ गए, इसका कोई जिक्र नहीं बेटा, एक्सेप्ट बेटा फ्रेंसियम विच इज सिंथेटिक। हाँ, ध्यान से देखना बेटा, विच इज सिंथेटिक, एक ही है बेटा। और जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 92 है वो रेडियो, वो क्या है, नेचुरल है बेटा, उसमें चाहे रेडियो एक्टिव हो चाहे नॉन रेडियो एक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 93 से 118 है आर कॉल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बेटे। और ये सभी क्या हैं, सिंथेटिक हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर 103 से 118 है बेटे आर कॉल सुपर हैवी एलिमेंट्स बेटे, इनको बेटे सुपर हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।